सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए आरटीओ के द्वारा एक महीने जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गुरुवार को आरटीओ परिसर और शास्त्री चौक सहित अन्य स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट और वाहन का पेपर साथ लेकर चलें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ सभा पूरे ज़िले में कोविड के नियमों का पालन करते हुए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर किया जाएगा और सड़क सुरक्षा की जागरूकता के बारे में लोगों को बताया जाएगा, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव अलका रानी अग्रवाल व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने कहा, आज आंखें खुल गई साहब। आज कंडीडेट हेलमेट मेरे पास होता तो ऐसा
और शराब ना पिए होते शायद एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होगा तो चोट नहीं लगती, इसलिए हेलमेट हमारी शान है। और नींद की अवस्था में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, यहाँ बता रहे थे बहुत मारे थे और समझ रहे हो, और कहीं अगर जबरा लाइन बनी है तो वहाँ पे जो है लाल बत्ती तो पहले रुक जाओ, पीली बत्ती है बिल्कुल तैयार हो जाओ, हरी बत्ती है तो निकल जाए, तो पहले पैदल वालों को निकलने दे, चौथा के पहले पैदल वालों को दर्जा दीजिए, उसके बाद में हम तुम निकली, समझ लो। और जो है तेज गति में चलो ना, तेज रफ्तार में चलो, तेज रफ्तार में चलिए तो कहीं जो है खतरा हो सकता है। अरे हम तुमको चला रहे मेहमान घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और जो हेलमेट है ना पुलिस वालों के जल्द नहीं लगाते हैं, क्या जो है हम बच्चों के और जो परिवार की दूसरी बार वापस मिलने के लिए हम हेलमेट को लगाते हैं, समझ गए। मेरा नाम अलका रानी अग्रवाल है, ये हमारी संस्था महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से सड़क अभियान सड़क जागरूकता कार्यक्रम है, जिससे हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं। कुछ लोग जानते हैं सारे नियमों को लेकिन पालन नहीं करते और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, उनको अपने परिजनों को खोना पड़ता है। अगर कापी किताब पढ़ के लोग नहीं ध्यान में रख पाते, इसलिए हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि इनकी बातों को ध्यान से सुने और इसको समझें और फॉलो करें कि सड़क पे चढ़ने का क्या ढंग तरीका होना चाहिए और एक्सीडेंट से बचें, अपने परिवार की और समाज की सुरक्षा करें। आज दिनांक 19/1/20 को सड़क सुरक्षा अभियान शिविर का आयोजन कार्यालय परिसर में किया गया था। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा उनके पहल पे महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान द्वारा 1 महीने तक ये चला कार्यक्रम चलाया जाएगा। जनपद के विभिन्न हिस्सों में नुक्कड़ नाटक एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत हमारे आज कार्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे की हालत में वाहन न चलाने के लिए विशेष जोर दिया गया तथा वाहनों के प्रपत्र लेकर के ही वाहन संचालित करने पर विशेष बल दिया गया। सीट बेल्ट एवं हेलमेट बिना लगाए हुए दोपहिया एवं चार पहिया वाहन का संचालन नहीं करेंगे, इस बात पर विशेष जोर दिया गया। यह कार्यक्रम सर कितने दिन तक लगातार चलता है? ये 1 महीने तक का है इनका कार्यक्रम चलेगा और ये जगह जगह जनपद के विभिन्न स्थानों पर भीड़ भाड़ इलाकों में कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जाएगा।